Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. कभी नहीं देखा। मैं उसे जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं। उसका नाम लादा है। ये और इसकी फैमिली कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। क्यूबा को तो देखो जरा, मुझे लगता है कोई और ही चक्कर है। हो हो हो, क्या बात है, मैं देख सकता हूँ मेरे दोस्त के एक खूबसूरत एहसास ने तुम्हारे दिल को छू लिया है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी कहानी है ये। टाइगर में एक स्वान प्रिंसेस रहा करती थी, बहुत ही खूबसूरत। उससे शादी के तीन उम्मीदवार थे। पहला हंस, उसने समंदर में गोता लगाया और सबसे कीमती मोती उसके लिए ले आया और कहा कि मैं तुम्हारी खातिर कैसे पानी में कूदा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। फिर दूसरा हंस उड़ा और सबसे ऊंची पहाड़ी से एक कीमती पत्थर लेकर आया और उसने प्रिंसेस से कहा, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। फिर तीसरा हंस सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, क्या तोहफा दूँ मैं प्रिंसेस को। ये सोचते हुए वहाँ से वो उड़ गया। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गया था। वो हार मानने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर बाहर के एक फूल स्नो ड्रॉप पर पड़ी। उसने वो फूल प्रिंसेस को दिया और कहा, बाहर का ये पहला फूल आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है और आप इसके हकदार हैं। इसलिए प्रिंसेस ने तीसरे हंस को चुना, क्योंकि बाकी दोनों से हटकर उसने सिर्फ प्रिंसेस के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। और यही बात प्रिंसेस को बहुत पसंद आई। लेकिन थियोडोर, मैं कुछ समझा नहीं, क्या क्यूबा को भी वो स्नो ड्रॉप लेके आना होगा? लेकिन इस वक्त तो उस फूल का मौसम ही नहीं। ये बात स्नो ड्रॉप फूल की नहीं है। तुम शर्माओ मत, तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जो करो दिल से करो। क्यूबा, रुको। मैं मानता हूँ कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यूबा तुम हंस नहीं हो, समझ गए? तुम इस तरह उससे नहीं मिल सकते। सर, अपनी हालत तो देखो क्या बनाई हुई है। क्यूबा, तुम सर से पांव तक कीचड़ में लथपथ हो। जल्दबाजी मत करो क्यूबा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे तुम किसी से कम नहीं हो क्यूबा, और हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? खुद को पहचान नहीं पाओगे। क्यूबा,
क्यूबा, दो मिनट रुक जाओ। अच्छा दिखना है तो थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। अब खुद को देखो क्यूबा, अब तुम लाडा से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे हो। रुको, मुझे नहीं लगता कि ये सब काफी है। क्यूबा, तुम साफ तो हो गए हो, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है, समझे? ओहो, उदास होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लग रहे हो हैंडसम। याद रहे, देखो तुम टाइगर के सबसे खूबसूरत जानवर हो। चलो जाओ जल्दी। देखो तुम उदास मत हो क्यूबा, वैसे भी आजकल किसी को खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि लाडा को ऐसा फ्लैशी लुक पसंद ही ना हो। हाँ शायद ऐसा ही हो, तो अब क्या करें? कैसे क्यूबा इम्प्रेस करेगा उसे? क्यों ना क्यूबा उसके सामने कोई बहादुरी वाला काम करे, जैसे कि किसी हीरो की तरह। ओके क्यूबा, क्या तुम एक भेड़िए से लड़ना चाहोगे? यहाँ से गुजर सकते हो तेजी से। अच्छा तो क्या छलांग लगा सकते हो ऊंचाई से? ये आइडिया बेकार है लियो, क्योंकि क्यूबा हर चीज से डरता है। That's fine. एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। ओह नो, ये तो भेड़िया है, भागो जल्दी। फिक्र मत करो, हमारा क्यूबा बहुत बहादुर है, उससे सब भेड़िये डरते हैं, वो उनकी खूब पिटाई करता है। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, ये बेकार आइडिया है। क्यूबा, उदास मत हो, कौन सी इतनी बड़ी बात है ये? देखो क्यूबा, तुम फिकर मत करो, यू आर सो सो हाँ? हाँ?
अगली बार तुम उससे बच नहीं पाओगे। लगता है हमें देर हो गई। वैसे लियो, क्या वाकई क्यूबा ने उस भेड़िये को भगा दिया? तुम होते तो डर जाते, यकीन है मुझे। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। किसी समझदार ने ये बात कही है कि जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें किसी न किसी से जरूर मिला देगी। समझे?